हेलो हाँ जी नमस्कार जी सर नमस्कार हाँ जी क्या हाल चाल है जी बस बढ़िया कैसे हो बस बढ़िया वो एक लेडीज है उनके 3-4 दिन से दस्त लग रहे हैं क्या उम्र है उनकी उम्र है 38-39 शुगर है उनको नहीं कोई शुगर नहीं कोई कुछ नहीं मेरे परिवार से ही है कभी कोई बीमारी कुछ तो हुई तो है नहीं बस इसमें तो प्रॉब्लम थी उनके जैसे माहवारी है उसमें दर्द ज्यादा बढ़े अच्छा तो ये उसकी तो वजह से होता है तो कब आया पीरियड्स वगैरह वो तो कल से शुरू हुए दस्त 2-3 दिन से पहले ही लग रहे हैं वो उसकी वजह से है जो पेन होता है ना जी उसमें एक एंडोमेट्रियोसिस होता है अगर आप एंडोमेट्रियोसिस गूगल करेंगे ना जी तो उसमें यूट्रस का जो कुछ एक वॉल होती है उससे बाहर निकलने लगता है कुछ टिश्यूज ग्रो हो जाते हैं जी जिसकी वजह से पेन होता है तो पेन होने के साथ में ही डायरिया का भी उसमें सिम्टम होता है तो वो उसका ये पहला डायरिया पहला हो रहा हाँ वो होता है तो एक दिन पहले हो जाता है कई बार कभी पहले होता है कभी बाद में होता है कभी साथ साथ होता है हाँ और तो एक एक आज तो वीकनेस ही ज्यादा ही महसूस कर रही उसका एक ही तरीका तो ये है कि 12 घंटे के लिए पानी छोड़ दो वॉक एंड रेस्ट जितना कर सकते हैं करें तो उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा और बाकी इनको वॉक एंड रेस्ट इसके ऊपर लगा दो पानी पर जो नया वाला एक मैंने अभी बनाया उस सिस्टम पर लगा दो तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके वो एक तो इनका जो देखा है वो यही है कि इनका वॉक एंड रेस्ट काफी धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा 4-4, 6-6 घंटे रोज का वो 2-3 घंटे वाला तो कर रही है ये लगभग 2-3 महीने से ही कितना 2 घंटे वाला कर रहे हैं हाँ सुबह शाम वाला बस वो नहीं चाय नहीं छोड़ पा रहे 100 ग्राम चाय तो ले रहे पूरा दिन में बाकी और इससे तो दूध इतना वगैरह ये फर्क सब नहीं कुछ है बंद है इनको वो तो ना पूरा 8-8 घंटे कराओ दिन में कुछ दिन के लिए अच्छा। एक ये वेट नहीं बढ़ रहा है इनका समझो 42-48 किलो वजन होगा इनमें 5'2" हाइट है इनकी हाँ प्रॉब्लम वही की वही है कि इनका मेन इश्यू यही है कि इनको कुछ खाना नहीं पच रहा या एनर्जी नहीं बन रही तो इस एनर्जी को बनाने के लिए वॉक एंड रेस्ट जैसे ही करेंगे ना और इस सिस्टम पर पानी पिएंगे जी जी तो उससे थोड़ा फर्क पड़ने लगेगा पर बीच बीच में 1-2 दिन के लिए बंद भी कर दीजिएगा वॉक एंड रेस्ट पानी बिल्कुल बंद करवा दे एक बार बिल्कुल बंद करवा के वॉक एंड रेस्ट सारा दिन कराओ अच्छा पूरा दिन जब भी टाइम लगता रहे उतना उतना जितना हो सके जितना उतना ज्यादा करवाते से ज्यादा करें अभी तो इसको तो निकलने दीजिए फिर हाँ उसके बाद वॉक एंड रेस्ट का बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए तो खासकर जब पीरियड्स आने होते हैं ना उससे उस वो 1 हफ्ता पहले तो हाँ 1 हफ्ता पहले बहुत ज्यादा कर लें तो इनका पेन 1-2 बारी में खत्म हो जाएगा और पेन खत्म होने से ना ये जो एंडोमेट्रियोसिस होता है जी इससे कैंसर के यूट्रस कैंसर और 1-2 कैंसर के रिस्क भी बढ़ जाते हैं बाद में अभी नहीं तो ये अगर ठीक हो जाएगा वो लाइनिंग वाइनिंग ठीक हो जाएगी ना फिर उसके बाद तो एक बार ठीक होने के बाद 2-2 घंटे भी करते रहेंगे तो भी बहुत है तो और ये एक इसका पाइल्स का मरीज था वैसे तो कई थे और तो ठीक हो गए जिनके वैसी थी सुक्की या थोड़े दिन से थी और एक है उसके 17-18 सालों से थी दवाई वगैरह भी खासी खा बताओ उसके ब्लीडिंग हो गई बहुत ज्यादा जीभ के तो आसपास फिशेस तक थे उसके है जी हाँ फिशेस है ना हाँ मसे हैं नहीं मसे तो अलग होता है फिशेस होते हैं कि नहीं फिशेस में क्रैक्स पड़ जाते हैं अंदर के बस अंदर ये तो जो पता टिश्यूज नहीं होते हैं ना फीसस वो है क्या तो उसको लगभग आज 12-14 दिन के आसपास हो गए स्टार्ट करवाया था तो आज सुबह फोन आया था उसका भाई वो तो बंद हो गया बिल्कुल ब्लीडिंग आना तो और उसने 10-12 दिन पहले ही जब खून टेस्ट करवाता तब 9.5 आया था और उससे पहले करवा हुआ कई महीने पहले तब भी इतना ही था फिर कल फिर करवा उसको अब बढ़ रहा उसका हाँ इसमें तो जो पेन होती है ना जो क्योंकि बहुत अंदर से डैमेज हुआ होता है फटा होता है पूरा पूरे टिश्यूज तो हाँ उसको पानी कम करने के बाद काफी टाइम लगता है उसको ठीक होते हुए शुरू में 40-50%, 60% तो आराम मिल जाता है उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होती है वो धीरे धीरे होती है क्योंकि वो वहां पर मिनरल्स पूरे खत्म हो नहीं चुके होते हैं जैसे कि उसके अब वो ब्लीडिंग बंद होगी लेटरिंग मारनी तो अब दोबारा तो चालू होने की बीच बीच में कभी होगी पर वो ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है पर जो फटा हुआ है ना उसको सिलने में और उसको भरने में हाँ टाइम टाइम लगता है लगेगा अच्छा उसके बाद दूसरा है
तीन लेडीज हैं जिनके वो हिरनी हो जाती है ना, एक कतोरी नाभी में नाभी बाहर निकल रही फूल के गुब्बारा सा, हर्निया, और एक नाभी से थोड़ा ऊपर है लगभग, वो ऐसा अगर हाथ में पकड़ा जा तो इतना मोटा था जैसे बॉल ले ला हाथ में, या सभी क्रिकेट लोगों का वही होता है, क्रिकेट वाली बॉल तो, और बाहर से देखने में हल्का सा लालीपन थी। जैसे स्टार्ट करवाता आज भाई 21-22 दिन हो गए तो वो सोयलिंग तो है नहीं बाहर, जो कलर दिख रहा था, और एक उसका कमर में जहां भी हाथ लगावा थे हाथ लगाते दर्द मारता पूरे शरीर में, कहीं से भी पकड़ा वहीं से दर्द मारा था उसका, वो दर्द तो सब बंद है बस कमर में है उसके। कमर में बस अभी मैंने आपको नया वाला भेजा है, पानी का इंटेक का थोड़ा सा चेंज किया है वो जिस उसमें तो है, एक में तो अभी एक गिलास पहले और एक एक खाने के साथ में, उसमें 2 गिलास 3 गिलास और 1 गिलास और एक खाना, मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं पीना ये है। और जिनके भी रसोली वगैरह और इस तरीके की चीजें है ना, उनको तो वॉक एंड रेस्ट बहुत जरूरी करना चाहिए, उसके बिना तीन तीन, तो... तीन तीन बार करवा रहे एक घंटे की। हाँ, और जैसे के कहीं का तो वेट सही ठीक घटन लग रहा, एक लेडीज का फोन आता सुबह बोली अंकल एक तो जितना वेट था झुका तू है, एक बार घट गया था 4 किलो उसके बाद झुका तू है, वो धीरे धीरे करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोगों का ना फैटी लीवर होता है, तो लीवर एक लिमिट के बाद काम करना बंद कर देता है, तो वो फैटी लीवर भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी ठीक हो जाएगा, बस उसको शांति से करते रहे चुपचाप। वो तो कह दिया मैंने भी, मैं उसको कई बार होता है ना कि जैसे 4 किलो कम हुआ तो अभी 2 किलो दो बारी कर रहे थे, तो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बढ़ाएंगे तो भी नुकसान होगा, तो आराम से बस इसी में लगे रहे, अपने आप 2-3 महीने के बाद दोबारा से वेट कम होना शुरू हो जाएगा। एक एक और आया था उसकी जिकन नाभी जी नी टली रहा है और वहां से टाइट पन हो रहा था पूरे पेट में, पेट तो मुलायम हो गया बिल्कुल, तो उन्होंने कहते अंकल मेरा तो और घट गया 1/2 किलो, 37 किलो था 36.5 रह गया। नहीं 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 वो ना मरा, कोई नहीं तुम खाना पीना सही रखो, जब पेट सही हो जाएगा तो वजन भी बढ़ेगा। नहीं नहीं ये जो पानी वाला जो चेंज कर रहा हूँ ना, इसको चेंज करा लीजिए उसको, और ये जो जितने भी लोग कहते हैं ना वो 37 और 36.5 में कोई फर्क नहीं होता है। हाँ, वो तो रोज दिन में कई बार वेट कम ज्यादा होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। नहीं जैसे उन्होंने 8-17-18 दिन हो गए ना आज करते, बस उन्होंने कहा जब अंकल दूध दाद सब सारी चीज छुड़वा दी तो मैं, और उन्होंने फिर किकर वजन बढ़ जाएगा, मगर बढ़ जाएगा तुम खाना सही खाओ, बढ़ेगा बढ़ेगा खाने सही खाने के अलावा, ये पानी का थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अपने आप बढ़ जाएगा, 4-5 किलो आराम से बढ़ जाएगा 3 महीने में, पर कोई जल्दबाजी करेगी भाई एक ही दिन में बढ़ेगा उसका एक ऐसे नहीं बढ़ सकता। मैंने तो कहा उनसे मैं जब 15 साल से तुम दवाई खा रहे थे तब नहीं कुछ होया, और इतना पैसा भी लगा दिया, क्या तुम शांति से बिना पैसे के भी नहीं कर सकते? इसमें ना सबसे पहले तो पानी कम होगा, पानी कम होगा तभी उसका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, पानी जब तक कम नहीं होगा तो पानी कम होगा तो थोड़ा बहुत तो वेट आधा 1 किलो का तो कम होगा ही होगा, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा तो मतलब जो भी शरीर को लगता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो मिलने शुरू होंगे, तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें तो नहीं कोई बदलाव करवाऊंगा, जिसका जो हिरणी है जो बोल के जितनी है वो तो सोजा वगैरह तो उतर गया, पेट हल्का हो गया उसका। नहीं उसको भी कराइए, सबको चेंज कराइए धीरे धीरे करके, वो तो ऐसा मैटर करते रहिए उसको, ये देखते रहिए किसको क्या करने से क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ हाँ वो चीज तो मैं पूछता भी रहूँ लिखता रहूँ उनको, हर का ना हर का पेशेंट का अलग अलग लिख लीजिए अगर हो सकता है तो, उससे क्योंकि आप मिलते हैं तो उससे आपको ज्यादा आइडिया लगता है, मैं तो फोन पर ही करता हूँ तो आइडिया भी कई बार नहीं लगता। मैं तो बुलाता ही रहूँ यही घर पे आ जाऊँ उससे, बाकी जो घने दूर है तो कई दिन हो गए जैसे बंद हो रहा तो आ नहीं पा रहे, नहीं घर ही आते रहे गाड़ी लेकर अपनी सुनी आ जा। हाँ बढ़िया, तो उन्हें एक तो देख कर फिर समझाने शांति जा, बाजे बाजे से क्यों हरियाणा का क्या रूल है ज्यादा लस्सी दूध दही इनको सबसे ज्यादा जोर रखा है, अंकल तन्ने हमारी सारी चीज तो छटवा दी, अनु का माँ आज तक 20 साल हो गए दवाई खाते हो कभी ये चीज तो नहीं छटवाई किसी ने भी, मगर ये गलत है जो काम की नहीं, अगर ये ठीक होती तो हम दूध पिलाकर ठीक ना करते करते किसी। हाँ और कोई कभी कभार पीना चाहते है हफ्ते 10 दिन में तो मनाई, वो बता दिया मगा मगा मलाई वगैरह उतार कर दोपहर को तो लस्सी भी जैसे 100 ग्राम पानी ले रहे तो 50 ग्राम लस्सी मिला ले। हाँ पर रोज रोज नहीं करे बस। हाँ भाई नहीं वो, हाँ वो बीच बीच में कह दिया भाई मगर कभी कभार ले लिया करो।
चलो ठीक चल रहा है बढ़िया। हाँ जी हाँ जी ठीक है मालिक अच्छा चलाओगे। थैंक यू।